नगर निकाय का चुनाव बहुत नजदीक है और इस वक्त सरगर्मियां तेज हैं। सभी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं या जो बसपा से हैं संभावित प्रत्याशी या सपा से जो प्रत्याशी हैं, सभी लोग जो हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें लुभाने सपने दे रहे हैं। वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारे बलरामपुर पोस्ट पर जो भाजपा के कद्दावर नेता है, भाजपा पार्टी से समर्थित है, जो हमेशा बीजेपी में दिल लगाते काम करते आए हैं और जनता के बीच कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर लगातार मेहनत करते रहे हैं। चाहे सांसद का चुनाव रहा हो, चाहे विधायकी का चुनाव रहा हो, लगातार ये मेहनत करते आ रहे हैं। ये नगर निकाय का चुनाव भी लड़ चुके हैं इससे पूर्व में, जो इन्हें कम वोटों से हार मिली थी। और आज उनसे हम जानने के लिए आए हैं कि नगर निकाय चुनाव जो है नजदीक, ये जनता के बीच में ये भी जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, तो ये क्या कहना चाहते हैं हमारे बलरामपुर पोस्ट पर? सबसे पहले नंबर तो हमारे बलरामपुर पोस्ट पर आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। निश्चित रूप से नगर पालिका चुनाव की रणवेदी बच चुकी है। विपक्ष के तमाम प्रत्याशी जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं, एक वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इन्होंने जनता को काफी लुभावने सपने दिखाए थे और उन सपनों को केवल सपनों में ही रहने दिया, उसको हकीकत में कभी नहीं बदला। आप जीता जागता उदाहरण है। आप बलरामपुर के बहुसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में आप जाके देख लीजिए कि विकास का पहिया आज 22 सालों से जो है कभी सपा के पास रहा और फिलहाल बसपा के पास है, जो नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी है, लेकिन विकास का पहिया उन क्षेत्रों में ना जाकर कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही रहा है। और जैसे हम उदाहरण देना चाहेंगे, हमारे क्षेत्र का एक अंधियारी बाग है, हुआ करता था, नाम से ही आप समझ लीजिए कि अंधियारी बाग था, तो कैसे रहा होगा। आज उसकी स्थिति जाके देखिए। और जो हिंदुओं का शमशान घाट है अपना, दीपवा का है, रानी तालाब का है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। अंधियारी बाग तो हजरतगंज बन गया, लेकिन दीपवा बाग और हमारा जो रानी तालाब का शमशान घाट है, उसकी भी स्थिति आपसे छिपी नहीं है। तो वहां क्यों विकास नहीं पहुंच पाया और जगहों पे पहुंचा? अब देखिए, हमारे जो दो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी चल रहे मैदान में, ये जब चुनाव आता है तो एक बहुत बढ़िया जुमला यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, गंगा जमुनी संस्कृति। तो ये वोट तो बहका कर ले लेते हैं और कुछ मुखौटा हमारे ही समाज से दो चार मुखौटा ढूंढ लेते हैं, जिनको दिखाकर ये वोट लेते हैं, लेकिन फिर उनको भी चुनाव जीतने के बाद उनको भी दरकिनार कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि जो लोग चुनाव में प्रचार में इनके साथ रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद केवल और केवल इनके सजातीय लोग ही इनके साथ रहते हैं, काम धंधा करते हैं, ठेका पट्टा करते हैं। नगर पालिका में 90% रजिस्ट्रेशन आज भी एक वर्ग विशेष के लोगों का है। 2000 से लेकर 2017 तक सपा से प्रत्याशी इसरत जमाल जो हैं और इनके परिवार के लोग जो थे अध्यक्ष रहे हैं, और 2017 से 22 से लेकर इस वक्त किताबुन्निसा जी हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आप क्या हमारे कितने वोटर हैं, मतलब हिंदू में कितने वोटर होंगे और अल्पसंख्यक में कितने वोटर हैं? अब जहां तक मेरी जानकारी है कि यहां पर मौजूदा समय में लगभग 65% हिंदू मतदाता है और 35% से भी कम मुस्लिम मतदाता है, लेकिन ये दोनों प्रत्याशी इतने चतुर हैं, जैसे बताया कि जब चुनाव आता है तो ये हमारे बहुसंख्यक समाज में से दो चार बहुरूपीय ढूंढ लेते हैं, जिनको ये चुनाव तक केवल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनका भी ये हालचाल नहीं लेते हैं। आप उठा कर देख लीजिए, चाहे वो स्वर्गीय जावेद जी रहे, उनके साथ जो लोग चलते थे, आज कहाँ क्या उनको सम्मान मिल रहा है, या इनके साबान भाई के साथ जो पिछले चुनाव चले, लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, तो वो कहाँ है, उनको कितना सम्मान इन्होंने दिया। इन्होंने केवल यूज किया, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी इन्होंने अपनाई। बसपा के जो प्रत्याशी है किताबुन्निसा और उनके प्रतिनिधि हैं वापति हैं शाबान अली, उनका कहना है कि हम 2017 में हमें
जो अध्यक्ष का पद हमारी पत्नी को मिला, और उसके बाद में कोविड रहा 2 साल, फिर उसके बाद में हम विकास नहीं कर पाए जो हम विकास करना था, जो हम विकास किए हैं। इससे पहले सपा से 2000 से लेकर 2017 तक इशरत जमाल और उनके परिवार के लोग रहे हैं, उन लोगों ने लूटने का काम किया है, इस पे आप दोनों को क्या कहेंगे? देखिए, लूटने का काम तो दोनों ने किया है, जब उनकी बारी थी तो उन्होंने लूटा, इनकी बारी थी तो इन्होंने और लूटा। लूटने का है कि आप इनके प्रयास देखिए, जैसे समाजवादी पार्टी में होता था कि जब मुलायम जी मुख्यमंत्री थे तो आजम खान मुख्यमंत्री हैं, शिवपाल जी हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद अमर सिंह को, ऐसे कितने चेयरमैन इस समय हैं, उनके भाई, उनके भतीजे, साहबान जी खुद प्रतिनिधि हैं, और जो असली चेयरमैन है शायद उनको भी कभी अपने पद का बोध होता होगा कि हम भी चेयरमैन हैं, हमको नहीं लगता है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि लोग सिग्नेचर भी और सब चीज खुद ही कर लेते हैं, और तमाम आप जाइए तो कोई बब्बू है, कोई सब्बू है, कोई उनके भतीजे, तमाम लोग चलते हैं समाज में कि हम चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, चेयरमैन के भतीजे हैं, चेयरमैन के भाई हैं, तो तमाम चेयरमैन हैं। उन्होंने जो बल्लामपुर नगर का तो सही बात है, विकास कुछ नहीं किया, लेकिन अपने परिवार का और अपना खूब विकास किया है, और जो भी बल्लामपुर नगर का विकास हुआ है वो डूडा के माध्यम से हमारे माननीय विधायक श्री पलटू राम जी ने सीसी रोडों का निर्माण कराया हिंदू बाहुल मोहल्लों में। नगर पालिका में प्रशासक था तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया था अम्बेडकर चौराहा से, मेरे चौराहा वाली जो इस शहर की सबसे प्रमुख मार्ग है, उससे पहले हमारे मोहल्ले के कुछ अल्पसंख्यक भाइयों ने बरसात के महीने में उस रोड पर धान बैठाने का काम किया था। इतना गड्ढा, इतना पे लेवा रहता था, पानी भरा रहता था कि धान बैठाया था, पेपरों में भी छपा था। उसके बाद जब इनकी बोर्ड डिजॉल्व हो गई जो है इशरत जमाल जी की, तब प्रशासक जब बैठा, चूंकि ये लोग हम लोगों का तो कोई प्रस्ताव लेते नहीं थे, तो जब प्रशासक अपना बैठा तो अपनी सरकार आई तो कहा गया कि सड़क लाइफ लाइन है बल्लामपुर शहर के लिए, तो सड़क बना। उसमें इन लोगों ने भारी घोटाला किया, भ्रष्टाचार किया, 2 बार शिकायत किया, 2-3 बार सड़क बनी, अब जाकर वो सड़क चलने लायक बनी है। जो कई बार बसपा के जो है चेयरमैन है, उनका कहना है कि हम जो हिंदू मुस्लिम हम साथ रहते हैं और हम दोनों के लिए काम करते हैं, चाहे मंदिर की बात हो, झारखंडी मंदिर है उसी के बगल में जो मुस्लिम का भी जो स्थल है, या वीर विनय चौराहा पर जो मंदिर है उसका हमने सौंदर्यीकरण करवाया, जहां हिंदू के जो है वहां पे शांति संस्कार उनका किया जाता है, मुस्लिम का कब्रिस्तान हो, तो ये सब हम दोनों किए हैं। लेकिन कुछ लोगों का हम बीच में निकलते भी हैं, कुछ आरोप हैं कि सिर्फ जो है या सपा रही हो या बसपा के जो लोग रहे हैं, ये सिर्फ अल्पसंख्यक समाज के लोगों के, कहेंगे क्या कितनी सच्चाई? ये बिल्कुल सच्चाई है, जो आप पत्रकार हैं, पूरे समाज में घूमते हैं, अंत्येष्टि स्थल तो कहीं चला नहीं गया है, आप जाके आज भी उसकी दशा देख लो, दीपवा की और रानी तालाब की और अंधियारी की, अभी जाइएगा रात में तो देखिएगा कि वो किसी मिनी हजरतगंज से कम नहीं लगेगा आपको। इन लोगों ने केवल हिंदुओं को ठगने का काम किया है। जब चुनाव आता है तो हम बल्लामपुर में बहुत हिंदू, गंगा जमनी संस्कृति, गंगा जमनी, ठीक है 22 साल हो गया हिंदू मुसलमान मिलकर मुसलमानों को चेयरमैन बनाया, अब की बार मुसलमान और हिंदू मिलकर किसी हिंदू भाई को हमारे पार्टी से, जो भी प्रत्याशी हो, मैं हूं या मेरा कोई भाई खड़ा हो, उसको चेयरमैन बनावाएं, उसको अध्यक्ष बनावाएं, तब असली माने में गंगा जमनी संस्कृति की जो जुमला कहा जाता है वो चरितार्थ होगा। वैसे तो बस एक समाज को बनाया जा रहा है, आज 22 साल हो गया, आप देखे शहर में कितना बदलाव आया। ये जो सीवर लाइन की का काम चल रहा है, ये हमारी भारत सरकार की है, हमारे माननीय विधायक जी की देन है, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने प्रयास करके माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोगों ने सीवर लाइन को की जो बड़ी योजना बल्लामपुर में लाई। हम लोगों की अगले प्लान में जो अंडरग्राउंड विद्युत की व्यवस्था है उसको भी कराने का प्रयास करेंगे। झारखंडी का जो ओवरब्रिज है उसको बनवाने का काम करेंगे। और जो शहर की सबसे बड़ी समस्या जो हमको लगती है कि अगर हमारी बोर्ड बनेगी तो निश्चित रूप से हम शहरवासियों को, जो पार्किंग की समस्या है, आज हमारे यहाँ एक भी पार्किंग स्थल नहीं है।
आज 22 साल से लोग अध्यक्ष हैं, कभी सपा रही कभी बसपा रही, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब हैं, उन्हीं साथ रहते थे, अब अलग होकर बरगला कर और हमारे में से ही कुछ लोगों को मुखौटा बनाकर वोट लेने का काम किया। और वोट लेने के बाद आज जो हमारे जो प्रधानमंत्री आवास दलित शोषित वंचित भाइयों के लिए हमारी सरकार, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार दे रही है, ये उनको ना देकर आपको तमाम उदाहरण हम दिखाएंगे। अंधियारी यहाँ जो इनका नहर बालागंज के साइड में जिनके पास दो मंजिले के मकान है, एक मंजिले का मकान है, पक्का मकान है, इन्होंने उन्हीं को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया जो इनके चहेते हैं। अब की बार जनता क्या देखिए, केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है तो कितनी सीटें लगभग निकलेंगी, बलरामपुर से क्या उम्मीदें हैं बताइए और प्रदेश में? निश्चित रूप से अब की बार हमारे यहाँ अपने जनपद की बात मैं कह सकता हूँ कि 2 नगर पालिका है, 3 नगर पंचायतें हैं। निश्चित रूप से पिछली बार हम बहुत कम मतों से सभी जगह पीछे रह गए थे, अब की बार हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनको हम लागू कर और देखिए गाड़ी कोई ऑटो चलता है तो 3 पहिए, अब 2 पहिए हमारे केंद्र और प्रदेश सरकार के, अगर 3रा पहिया आगे वाला अगर भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड नहीं बनती है तो ये लोग उस गाड़ी को, उस विकास रूपी रथ को अलग ट्रैक पर मोड़ ले जाते हैं। जब 3 पहिया हमारा रहेगा तो सही माने में जो मोदी जी का सपना है, जो योगी जी का सपना है, निश्चित रूप से वो क्रियान्वित होगा और सभी के लोगों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं। अगली बार जो आप बहुत कम वोट से चुनाव हारे थे तो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं और संभावित प्रत्याशी हैं, जहां लोगों का कहना है कि आप प्रत्याशी बनेंगे, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे लोगों के लिए? चुनाव जीतने के बाद हम जो 22 वर्षों से काम नहीं हुआ है, पहले तो उन मोहल्लों का विकास किया जाएगा, स्ट्रीट लाइट जो कमीशन खोरी वाली सब लाते हैं उसको सही मायने में अपने पोल पोल पर खंभों पर अच्छी स्ट्रीट लाइटें लगी जिससे लोगों को प्रकाश व्यवस्था मिल सके, नाली की व्यवस्था। अगर चुनाव जीतेंगे तो पूरी जो होती है कि मतलब दोनों हिंदू और अल्पसंख्यक के बीच में विकास जाएगा। बिल्कुल, हमारे पार्टी का तो यही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हमारे पार्टी का स्लोगन है, माननीय मोदी जी का है, कभी हमने भेदभाव की राजनीति नहीं की, लेकिन केवल एक वर्ग का ही काम करना ये कहाँ के लिए न्याय संगत है? जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो पूरी जनता के बनते हैं और उसके बाद हम भेदभाव से अगर विकास करते हैं तो जनता हमको माफ करने वाली नहीं है। निश्चित रूप से 22 वर्षों से ये लोग केवल और केवल बरगला कर हिंदू हिंदू मतदाताओं को केवल जुमलेबाजी से गंगा जमनी संस्कृत कह के और उसके बाद वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई झांकने वाला उन मोहल्लों में नहीं जाता है। आप दिन भर चलते हैं, मेरे छोटे भाई हैं, पत्रकार हैं, आप देखिएगा, आप खलवा पूरब टोला झंझरा टेढ़ी जाके देख लीजिए कि कितना ये लोग जाते हैं, कितना काम किया है, जो भी काम किया है डूडा के माध्यम से, माननीय विधायक जी के प्रयास से, हम लोग के प्रयास से, जिला संगठन के प्रयास से कुछ हम लोग काम ला कर और उन क्षेत्रों में जहां गांठ गांठ गड्ढे थे, दो दो एक एक फीट गड्ढे थे, उन पे लाकर सीसी रोड बनवाने का काम किया है। और निश्चित रूप से अगर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनेगी तो जो मोदी जी की जो योगी जी का सपना है वो निश्चित रूप से बल्लारपुर नगर पालिका में, जिस सपने को उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, हरा भरा भारत, वैसे हमारा बल्लामपुर एक स्वच्छ बल्लामपुर, एक हरा भरा बल्लामपुर, एक स्वस्थ बल्लामपुर और एक प्रदूषण रहित बल्लामपुर बनाने का हमारा संकल्प है। और उस संकल्प पे चाहे मैं प्रत्याशी बनूं, चाहे मेरा कोई भाई प्रत्याशी बने, एक ही है कि कमल के फूल पर अब की हम भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बने और जो योजनाएं प्रदेश और केंद्र की हैं वो सही मायने में भ्रष्टाचार रहित है। क्या कमीशन खोरी, आप भी जाकर देख लीजिए नगर पालिका में कैसे काम होता है। इनका मूल उद्देश्य है कि हमारे चेयरमैन साहब का ईटा कैसे बिके, उनका वो ईटा कैसे लगे, सड़क बना है तो उस पर फिर कैसे दिखाकर पैसा उठाया जाए। अभी एक रोड क्रॉस टूटा था पहलवारा के पास, अभी एक भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो इन लोगों को जनता की सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, इनको कैसे
पैसा मिले, कैसे कमीशन मिले, कैसे इनका पेट भरे, कैसे इनके परिवार फले फूले, इनके बलरामपुर की जनता के बारे में न पूर्व चेयरमैन की कोई सोच थी न वर्तमान चेयरमैन का कोई सोच है। अगर कोई सच्चे दिल से सच्चाई ऐसी है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आप बहुत सक्रिय नेता हैं, हम बचपन से देखते आए हैं, हम भी यहीं बलरामपुर के हैं और लगातार देखते आए हैं कि आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच में और पार्टी के लिए दिल से मेहनत करते हैं। पार्टी क्या सोच रही है आप बताइए। निश्चित रूप से 29 वर्षों का मेरा जीवन, राजनीतिक जीवन भारतीय जनता पार्टी में बीता है और एक पल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी से विमुख कभी नहीं सोचा है, न सोचूंगा जीवन भर। चाहे एमपी का चुनाव आया, चाहे मेले का चुनाव आया, चाहे कुसुम जी को नगर पालिका लड़ाया, परमजीत जी को लड़ाया, भाई के डी शुक्ला जी को, स्वर्गीय के डी शुक्ला जी को भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में लड़ाया, जितना सामर्थ्य था, जितना बल था। और निश्चित रूप से 2017 में हम बहुत कम मतों से चुनाव नहीं जीत सके और लगभग 10,000 वोट पाने के बावजूद हम चुनाव नहीं जीत सके। पार्टी में आवेदन किया है, पार्टी ने आश्वासन भी दिया है कि ठीक है, हमारे आप सीनियर हैं, पिछले बार बहुत कम मतों से आ रहे हैं, अगली बार जो चुनाव था नगर निकाय का आपकी भाभी लड़ी थी, इस बार किसके नाम से आवेदन किए हैं? अब पिछली बार महिला सीट का आरक्षण होने की वजह से मेरी भाभी जो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नेता हैं, उनको पार्टी ने टिकट दिया था, चुनाव लड़ी थी। इस बार मेरा और उनका दोनों लोगों का आवेदन गया है, पार्टी जिसको भी आदेश देगी, वैसे आवेदन मुख्य रूप से हमी ने किया है, पार्टी जैसा आदेश देगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो जिसको आदेश करेगी उसको लड़ाया जाएगा। हम तो एक कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की भावना से ही काम करते हैं और हमारे यहाँ टिकट कोई मायने नहीं है, केवल सिंबल मायने है, कमल का फूल लड़ेगा, प्रत्याशी उसके पीछे चाहे जो हुई हो, हम लोग दिन रात एक करके अब की बार भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड बनाएंगे। तो आप देख सकते थे कि हमारे साथ ये भाजपा के गद्दार नेता थे जो लगातार पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वयं जाते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। ये अगली बार कम वोटों से जो नगर निकाय का चुनाव था हार गए थे, लेकिन इस बार भी इन्होंने आवेदन पत्र भारतीय जनता पार्टी के में भेजा है कार्यालय पर, लोगों से अपील कर रहे हैं बीच बीच में जाकर। और इनका कहना है कि जो सपा के हों या अध्यक्ष या बसपा के अध्यक्ष हो, लगातार ये हिंदुओं के वोटरों को अपने लोहावने सपने देकर हथियार लेते हैं, उनके बीच में कभी फिर नहीं जाते हैं, सिर्फ अपने समाज के लिए लोगों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ सबका विकास, इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अध्यक्ष होता है नगर निकाय का, तो सिर्फ सबका साथ सबका विकास के लिए काम करेगी, ना कि किसी एक जातीय समीकरण के लिए काम करेगी, सभी लोगों के लिए काम करेगी।